हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं कर रहा हूँ व्लॉग स्टार्ट और मैं सो के उठ चुका हूँ। नहीं, मैं मतलब सो के 1 घंटा पहले उठ गया था, नहा भी चुका हूँ। तो मैं बस वेट कर रहा हूँ कि ब्रेकफास्ट मम्मा लाए 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 तो देखते हैं मम्मा आज ब्रेकफास्ट में क्या बनाया। आज धूप है। हेलो गाइस, हरे कृष्णा, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे और अच्छा भी रहना चाहिए। तो मैं लेटी हुई है पीछे। मैं पूजा वगैरह करके फ्री हो गई हूँ और आ गई हूँ ब्रेकफास्ट बनाने के लिए किचन में। और आज ब्रेकफास्ट में बन रहा है क्या बनना है यश? आलू का पराठा। आलू के पराठे, बहुत दिन बाद नंबर आया आलू के पराठे का। देखिए आप लोग, ये बन रहा है आलू का पराठा और बहुत दिन बाद आलू के पराठे का नंबर आया है। अब ये तो पराठा सीख चुका है। फिर मिलते हैं ब्रेकफास्ट टेबल पर। सो गाइस, अभी आलू देखेंगे आज खाने में क्या बनाया। आज खाने में बनाया आलू का पराठा। क्या आप देख सकते हैं मेरा आलू का पराठा फेवरेट होता है। तो आज बनाया आलू का पराठा, तो जो एक बार टेस्ट करके देखते हैं इसको आलू का पराठा कैसा है। तो गाइस, ये हम खाते हैं आलू का पराठा और मिलते हैं बाद में। बाय बाय। सो गाइस, मैं आ चुकी हूँ ब्रेकफास्ट टेबल पर और ब्रेकफास्ट करने के लिए। ये जब से जन्माष्टमी पे आहना ये बांसुरी लेकर आई है, तब तक बस या तो राधा या कान्हा, दो चीजें बनी रहती हैं। तो फिर मैं आ गई हूँ ब्रेकफास्ट टेबल पर आलू के पराठे के साथ। जैसा कि मैंने आपको बताया था, बहुत दिन बाद आलू के पराठे का नंबर आया है, तो खा रही हूँ आलू के पराठे और पीती हूँ अपना चरण, पीती हूँ चरणाम, खाती हूँ पराठा, पीती हूँ चरणाम। दिन बाद तो गाइस, हम लोग हो रहे थे घर में बैठे हुए बोर। तो मम्मा ने सोचा कि क्या करें क्या करें, तो सबने कहा चलो पार्क चलते हैं। तो चलिए चलते हैं पार्क। तो गाइस, मैं आई थी पार्क में अहाना की शॉर्ट्स वीडियो बनवाने और अब हो रही है घर वापसी। तो फिर मिलते हैं घर पहुंचने के बाद। और आज बहुत गर्मी हो रही है, पार्क में भी एक भी पत्ता नहीं हिल रहा है, क्या कैसे सर्टिंग हो रही है, ऐसा लग रहा है नहा के निकले। तो फिर अब जा रहे हैं घर वापस और बच्चों का मन नहीं लग रहा है बाहर घर वापस जाने के लिए। बच्चे चाह रहे हैं कि और खेल लें। तो फिर मिलते हैं आपको बाद में। आहना, सो गाइस, मैं आ चुकी हूँ किचन में डिनर के लिए। मेरा ऑयल गरम हो गया है और उसमें मैंने डाल दी है थोड़ी सी हींग और ये गई उसमें बहुत सारी वाली आनियन, ये गई उसमें अनियन। ओह माय गॉड, ये गई अनियन और जो इनके लिए हाथ से करना पड़ता तो मैंने इसको मैं चॉप कर लिया था। और ये जा चुका है अनियन, अब अनियन होगा हल्का सा फ्राई। अनियन को तेज हाथ पे फ्राई कर लेते हैं क्योंकि इसका क्रंच बना रहा है, ज्यादा पानी वाली ना इसका फूड, इसका पानी। ये गया इसमें अनियन और अनियन को होने देंगे फ्राई। तो गाइस, जब तक हमारी अनियन होती है हल्का सा फ्राई, तब तक हम अपनी लेडी फिंगर कट कर लेते हैं क्योंकि मैं गई थी आज पार्क और पार्क जब मैं गई थी कुछ भी काम करके नहीं गई थी और अब आकर मैं कर रही हूँ मैं काम में। तो मैं जल्दी जल्दी जो लेडी फिंगर है उनको कट करती हूँ। लेडी फिंगर को आप बहुत ही ध्यान से कट करें। ये हो रही है लेडी फिंगर कट। तो ये हो रही है लेडी फिंगर कट। वैसे बिल्कुल ग्रीन ग्रीन लेडी फिंगर थे और जब जॉय साहब लाए तो मेरा मन नहीं हुआ कि इनको 2 दिन भी मैं रखूं। तो मेरा मन नहीं हुआ कि इनको 2 दिन भी मैं रखूं बिकॉज ये फिर येलो पड़ जाते हैं और आप तो जानते हैं
कि हम लोगों को फ्रेश वेजिटेबल भी खानी चाहिए, तो जोहरी साहब इनको आज ही लाए थे और मैंने फिर इसको आज ही नंबर लगा दिया इसका बनाने का। ये देखिए आप कितनी बढ़िया अच्छे से कट रही हैं, देखो साफ नीट एंड क्लीन निकल रही हैं। तो ये बन रही हैं जल्दी जल्दी, लेडी फिंगर की हो रही है। जितनी देर में अनियन फ्राई होगी उतनी ही देर में लेडी फिंगर कट हो जाएंगे। और ये बच्चों की ऑल टाइम फेवरेट ग्रीन वेजिटेबल है, बच्चे छोले राजमा ये सब ज्यादा पसंद करते हैं, तो उनको जब भी मैं छोले बनाती हूँ दो दिन वो लोग छोले पसंद करते हैं, दो दिन तो दो टाइम छोले खाते हैं, उसके बाद मैं उनको थर्ड टाइम ग्रीन वेजिटेबल जरूर देती हूँ विद दाल। दाल कोई भी खा लेंगे अरहर वगैरह की, लेकिन वो ग्रीन वेजिटेबल, मैं भिंडी बहुत पसंद करते हैं और लेडी फिंगर से अच्छे से खाना खा लेते हैं। अच्छा सा आज आपकी लेडी फिंगर बन रही है। मैं आहाना को सरप्राइज देने वाली थी लेकिन आहाना आ गई है किचन में और उसने देख लिया है कि मम्मा उसके लिए लेडी फिंगर बना रही है। ठीक है आप बैठो, मम्मा जल्दी से बना के लाती है। ओके क्योंकि बच्चे खाना बनते टाइम कितने खुश होते हैं, उनकी खुशी दुगनी हो जाती है जब उनको प्लेट लगा कर दी जाती है और उनका फेवरेट फूड उस प्लेट में होता है। सो गाइस ये अनियन हो चुकी है मेरी अच्छे से फ्राई, इसमें मैं हल्के से मसाले डालूंगी बस, जैसे कि टर्मरिक पाउडर थोड़ा सा, ज्यादा मसाले नहीं डालूंगी। ग्रीन चिली चॉप कर ली है तो ये डाली इसमें सिर्फ रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर, क्योंकि ये गोल वाली मैंने कट करी है तो गोल वाली में मसाला कम ही डालती हूँ, जो लेडी फिंगर लंबे लंबे कट होते हैं उसमें ज्यादा डालती हूँ। तो बस और ये गया हमारा नमक शमक डाल दे, नमक शमक ये हो गया और मसालों को ऐसे मैंने इसमें अच्छे से कर लिया हल्का अलट पलट हो गया। बस दो मिनट इसको ऐसे किया और फिर मैंने अपने डाल ली इसमें लेडी फिंगर और उनको कर दिया मिक्स। बस एक्सपर्ट बन जाती हैं, जितनी देर में अनियन फ्राई हुई उतनी देर में कट हो गई लेडी फिंगर। बस अब ये इसमें हो जाएगी रेडी, इसको अच्छे से अनियन में मिक्स कर दिया। बस जब इसको ये मिक्स हो गई तो फिर हमने इसको क्या किया, ऐसे इसको कवर कर दिया, ढक दिया और हो गया। बस लेडी फिंगर हो चुकी है डन। दाल मैंने धो के रख दी है, चढ़ाने जा रही हूँ एक साइड, आटा मैंने लगा लिया है, राइस मैंने वॉश करके रख दिए हैं, तो फिर डिनर में 15 मिनट्स और डिनर डन। सो गाइस मैं बहुत अच्छी कलियों में, अभी हम लोग एंड करते हैं लाइक।